गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग इसके पहले फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग समझ चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग जीरोस का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसके चालू शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक बार समझ लें कि जब हम डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर वह जीरो से ग्रेटर होगा तभी जो है उसका डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें पता चलेंगे, यानी कि हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है जो अलग अलग आएगा। बट यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा तो उनका अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि सेम होगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो से स्मॉलर होगा तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। यानी कि अगर हम लोग का किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यदि उसका नेचर चेक करते हैं और यदि ये कंडीशन आता है तो उसको हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। बट ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम दोनों को जब आता है तो इक्वेशन को द्वारा सॉल्व करेंगे। अब चलिए जरा सा देखते हैं कि पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे और यदि ये दोनों में से कोई आता है तो उसका हम कैसे वैल्यू जो है वह निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है एक 2x² - 3x + 5 = 0। क्लियरली यही आप लोग पहले से जान रहे हैं, a = 2, b = -3 and c = 5। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, b² - 4ac - 3² - 4 × 2 × 5 9 - 4 = 8 = 40, इट मींस -31। अब यहाँ पे -31 आ गया, यानी कि जब माइनस आया इसका मतलब क्या हुआ कि d का वैल्यू जो है वो जीरो से स्मॉलर है, और जब b का वैल्यू जो है जीरो से स्मॉलर है इट मींस नो रियल रूट्स, यानी कि इसका हमें जीरो निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता लगा सकते हैं और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसका अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या टू इक्वल रूट्स आते हैं तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, 2x² - 6x + 3 = 0। सेम है, जिसका भी पहले चेक कर लेते हैं, -6c = 3, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac - 6² - 4 × 2 × 3 6 6 36 4 2 8 और 8 3 24, इट मींस 2 and 1। ये पॉजिटिव आया और निश्चित रूप से पॉजिटिव आने के साथ ही साथ जो है इसका वैल्यू जो है क्या है, जीरो से ग्रेटर है। ये तो आप समझ सकते हैं कि जीरो से इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो जब जीरो से वैल्यू ग्रेटर है इसका मतलब कि इसका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें पता चलेगा, यानी कि हम इसका जो है जीरो जो है वो पता लगा सकते हैं। अब देखिए जीरो का पता लगाने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जीरो जो है -b + √d/2a फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और बीटा के लिए -b - √d/2a यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है कि जीरोज निकालिए, तो जीरोज निकालिए तो वहां पर हमें जो है नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया ही रहेगा जिसका या तो फिर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या फिर टू इक्वल रूट्स होंगे, तो उसके लिए हम लोग ये भी फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का हमने क्या यूज किया, b² - 4ac / 2a, और इसका हम लोग -b - √2a का प्रयोग हम लोग जो है वह कर सकते हैं। तो इस पे फॉर्मूला को हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका जो है आंसर गेट जो है वह कर सकते हैं। चलिए कैसे रखेंगे, -b सबको समझ में आ रही है, -b + d 12/2a, -, अब देखिए ये जो है रूट में 12 है तो हम ये कोशिश करते हैं कि
ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कि कोई ऐसा जो है अगर अंदर है तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 है तो 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं और 4th रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि हम लोग इसको जो है 2√3 जो है वह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√3 बाई 2 × a का वैल्यू कितना है तो 2 है, इक्वल टू 6 + 2√3/4। हमने फिर एक बात बताया कि आंसर जो है शुड बी ऑलवेज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है, यानी कि 3 + √3/4 इटमीन्स इसका आंसर होगा 3 + √3/2। ये हमारा जो है अल्फा का वैल्यू जो है 1 0 का वैल्यू जो है वह निकल गया। उसी तरह हम लोग इसको भी निकाल लेंगे, -6 + √12/2 × 2 + √3। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। सेम है उसी तरह से 2 इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, 3 - √3/2। तो इस तरह से हमको जो है 2 0 पता चल गया और यही 2 0 जो है वह हमारा x का आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 + √3/2 और 3 - √3/2। ये हमारे 2 0 जो है वह इस क्वेश्चन का हो गया। अब यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा कि हाँ अगर जो है 0 का वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 से ज्यादा होगा तो 2 डिस्क्रिमिनेंट रूट्स होंगे, दोनों का वैल्यू आ गया। आप क्वेश्चन घर पे बनाइए, पहले चेक कीजिए कि ताकि चेक करने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और वहां पर आप देखेंगे कि कोई कोई ऐसा होगा कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 आएगा और जब आप उसका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का वैल्यू जो है वह सेम ही आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला पे इसको पुट करना है और आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह से जो है आपका 4th चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो भी आप जरूर आस्क कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंगल रूप में विद्यालय में भी आकर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चैप्टर 4 को बनाइए, उसका फेयर कंप्लीट कीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे होम, बी सेफ्टी। थैंक यू।